Hello friends, let me start with an incident this time. So what happened, I was traveling in a train and mere jo fellow traveler the unke sath mera baatcheet ho rahi thi. He was a 30-35 year old gentleman and we gelled together very well. Baatcheet chal rahi thi, but what I was noticing was he was not smiling much. So the moment he came to know that I am a dentist, immediately the first question was, aap kya kar sakte ho jisse bina daant mere daant bina kaate aap inko align kar do. आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद माई स्माइल. और इसी वजह से आप नोट कर रहे होंगे कि मैं ज़्यादा स्माइल नहीं करता हूँ किसी भी सिचुएशन में. इवन दो आई फील कि मैं अच्छी तरह से हंस सकता हूँ, बट आई फील वेरी हेजिटेंट. सो अबाउट दिस प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू टॉक टूडे. And this is invisible braces. Now, for this gentleman, the right answer was invisible braces. अब ये क्या है invisible braces? हम लोगों ने normal braces तो बहुत देखे हैं. हमने अपने family में बच्चों को देखा है जो वो metallic braces पहनते हैं. What are invisible braces? How is it possible कि braces invisible? So I'll explain that everything to you today in this video. So basically invisible braces are transparent rays. अब ये procedure कैसे होता है पहले मैं वो समझाता हूँ, फिर आपको उसके advantages भी बताऊँगा. So क्या होता है, पहले हम आपके पूरे teeth set का एक digital scan करते हैं. Now according to that scan, we feed that information in a software. उससे हम एक पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बनाते हैं कि आपके दांत इस लेवल पे हैं और फाइनल रिजल्ट हमें ऐसा चाहिए. सो इस पूरे स्टेप को, इस पूरे जर्नी को हम छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं और हर स्टेप के लिए एक ट्रांसपेरेंट ट्रे होती है. सो इमेजिन आपके अगर दांत अलाइन नहीं हैं तो आपका स्कैन होगा और उसको सॉफ्टवेयर में डाला जाएगा. वो सॉफ्टवेयर से हम आपके अप्रॉक्सीमेटली 40 ट्रेज बनाएंगे. Now these 40 trays will be totally transparent. आप ट्रे नंबर 1 पहनोगे वो ट्रांसपेरेंट होगी. आप बाहर जाओगे, मीटिंग में जाओगे, फंक्शन में जाओगे, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा. और उस ट्रे से को आप पहनोगे 2 हफ्ते, 10 दिन, 3 हफ्ते पहन सकते हो, डिपेंडिंग ऑन दी सीवियरिटी ऑफ दी प्रॉब्लम. उस 2-3 हफ्ते में हमारा कुछ मूवमेंट होगा. अब ट्रे नंबर 1 आपके लिए फिट नहीं रहेगी, अब आप ट्रे नंबर 2 पे आ जाओगे. ऐसे कर करके हर ट्रे से हम थोड़ा थोड़ा आपके दांतों को मूव करेंगे एंड फाइनली आफ्टर ट्रे 40 वी विल रीच टू आवर फाइनल गोल विच इज़ योर वेल अलाइंड टीथ. नाउ इमेजिन, हाउ कैन देयर बी एनीथिंग विच इज़ बेटर देन दिस. हमने ना आपके दांतों को काटा, जो भी चीज़ें थी वो ट्रांसपेरेंट थी, रिमूवेबल भी थी. आपको अच्छा नहीं लग रहा कुछ फंक्शन में जाने से पहले उन ट्रेस को पहनना, आप उतार सकते हो 2-3 घंटे के लिए, वापस पहन सकते हैं, खाते टाइम उतार देना है. कोई पेन नहीं है, कोई फिक्स चीज़ दांतों पे लगी नहीं है, कोई छाले नहीं होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. सो दिस इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट वे ऑफ अलाइनिंग योर टीथ एंड नॉट ओनली ईजिएस्ट, मोस्ट कंजर्वेटिव वे. हम किसी दांत को कोई काट नहीं रहे हैं एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये ट्रीटमेंट परमानेंट है. एक बार आपके दांत अलाइंड हो गए तो वो लाइफ टाइम के लिए रहने वाले हैं. मेल अलाइन टीथ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. आप स्माइल नहीं करते हो, आपके दांतों में हमेशा खाना फंसता रहता है, दांत बहुत जल्दी येल्लो हो जाते हैं, कैविटीज़ होती हैं, स्मेल आती है गम्स में से या ब्लीडिंग होती है. ये सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती हैं जस्ट गेटिंग बाय गेटिंग ब्रेसेस डन. सो इफ़ यू आर नाउ हेजिटेंट कि मैं इस एज में ब्रेसेस नहीं करा सकता हूँ क्योंकि वो दिखते हैं, यू आर नाउ टोटली रॉन्ग. आप इनविजिबल ब्रेसेस की हेल्प ले सकते हो और अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं. देर इज़ नो एज लिमिट फॉर इनविजिबल ब्रेसेस. सो अब मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इनविजिबल ब्रेसेस के बारे में लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है. आप प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स से इसको शेयर करें ताकि दे ऑल्सो नो अबाउट इट कम्प्लीटली. थैंक यू.